हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं सैमसंग का मॉडल है, जो इसके FRP लॉक कैसे निकालें हम आपको दिखाएंगे अभी। तो इसका FRP लॉक अनलॉक करने के लिए एक सिंपल सा करेक्ट टूल है, ये देखिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ है FRP का। तो इसको बाईपास करना हम आपको सिखाएँगे PC की मदद से, इसको कैसे FRP बाईपास करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा एक टूल ओपन करना है हमें, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाकर। ये देखिए हम आपको सैमसंग FW टूल, सैमसंग फर्मवेयर टूल, इसको कर लेना है ओपन। इस लेटेस्ट वर्जन ना डाउनलोड कर लेना आपको 4.0 करके। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव FRP USA मॉडल 2024, इस पर करना है क्लिक और फ़ोन को चालू करके कर लेना है हमें, उसको कनेक्ट कर देना है PC से, ठीक है। ये देखिए हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है और मॉडल वगैरह की सारी कुछ जानकारी यहाँ पे इसने टूल में आ चुकी है। तो अभी कुछ भी नहीं करना है हमें, कुछ टाइम लगेगा उसको FRP निकलने में। ये नया मॉडल है और इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी भी लगा हुआ है, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यदि हमारी वीडियो आपके किसी भी काम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को लाइक कर देना। और आपको यदि किसी भी मॉडल का FRP अनलॉक करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अनलॉकिंग FRP सारा कुछ यहां से हम कर देंगे, आपको ऑनलाइन ही हो जाएगा। ये देखिए FRP डन हो चुका है हमारा। अभी हम आपको मॉल में सेटअप करके भी दिखाते हैं, इसको नो कर देंगे। ये टूल आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम आपको मॉल ऑन करके दिखाते हैं, इसका FRP बाईपास हुआ कि नहीं हुआ, FRP लॉक निकला कि नहीं, हम आपको चेक करके दिखा देंगे अभी। ये देखिए ओपन हो रहा है सेटअप के लिए, तो हम इसका सेटअप कंप्लीट करके दिखा देते हैं आपको अभी। देखिए यहाँ पे जो निशान आ रहा था, वो लॉक का सिंबल आ रहा था, वो भी हट चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ। और अभी मैं आपको सेटअप भी कम्प्लीट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको स्किप कर देना, सारा कुछ सेटअप कर लेना है। तो ऐसे किसी भी सैमसंग के मॉडल का इस टूल की मदद से FRP निकाल सकते हैं। और किसी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं।